हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डे करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फरवरी 2020 की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, यानी 2020 फरवरी इंपोर्टेंट इवेंट के बारे में। ये दोस्तों आपके सभी इंपोर्टेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, भारत और विश्व से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे, जितने भी इंपोर्टेंट डायलॉग हुए हैं, जितने भी इंपोर्टेंट वर्क हुए हैं, उन सब के बारे में हम आप इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एक बार जरूर देखें। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आपके बहुत इंपोर्टेंट है, आपके हर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और आपको बता दें, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बारे में। तो फरवरी में राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसमें कुल 15 ट्रस्ट बनाए गए हैं। मंदिर का निर्माण होगा जो दोस्तों वह यहीं पर होगा जहां पर राम जन्मभूमि थी, लेकिन मस्जिद का निर्माण 18 किलोमीटर दूर जगह ली गई है। इस ट्रस्ट का जो कार्यालय होगा वह दिल्ली में होगा और ट्रस्ट को सौंपी गई जमीन 67 एकड़ जमीन है जो इस ट्रस्ट को सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया था उसमें उन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया जाए। तो ये ट्रस्ट बनाया गया है फरवरी में, जिसके बारे में हमने अभी जानकारी ली है। दोस्तों, अब बात करते हैं, फरवरी में ही लखनऊ रक्षा प्रदर्शनी हुई थी, यानी लखनऊ डिफेंस एग्जीबिशन हुआ था। इसके बारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे, इससे जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकेंगे उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है लखनऊ डिफेंस एग्जीबिशन से कि इसका कौन सा संस्करण था। तो यह इसका 10वां संस्करण था। इसका टारगेट है इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इसके लिए यह डायलॉग कराया जाता है। लखनऊ डिक्लेरेशन भारत और अफ्रीकी देशों के बीच किया गया है, जिसमें बात की गई है आतंकवाद से लड़ने के लिए। इसके अलावा सूचना, खुफिया जानकारी और निगरानी साझा करने, हथियार की साझेदारी बढ़ाने के लिए भी लखनऊ डिक्लेरेशन भारत और अफ्रीकी देशों के बीच किया गया है। अब दोस्तों, बात करेंगे फिल्म फेयर अवार्ड 2019 के बारे में। जितने भी फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं 2019 में, उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो आपको बता दें, फिल्म फेयर अवार्ड की जो शुरुआत है वह 21 मार्च 1954 में की गई थी। पहली फिल्म थी जिसे यह अवार्ड दिया गया था वह फिल्म थी 2 बीघा जमीन। 1954 में यह फिल्म बनी थी और इस पहला अवार्ड इसी फिल्म को दिया गया था। बेस्ट एक्टर का पहला अवार्ड दिलीप कुमार को फिल्म दाग के लिए दिया गया था। वहीं बेस्ट हीरोइन का पहला अवार्ड मीना कुमारी को बैजू बावरा के लिए दिया गया था। तो दोस्तों, ये हमने बात की फिल्म फेयर अवार्ड के बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन जो अनाउंसमेंट 2019 में हुई है उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 2019 में इसका 65वां संस्करण था। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही बनेगा कि इसका कौन सा संस्करण था। तो यह फिल्म फेयर अवार्ड का 65वां संस्करण था। इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। दोस्तों, ये पहली बार किया गया है मुंबई से बाहर, यानी इसके जो 64 संस्करण हुए हैं वह पूरे के पूरे मुंबई में हुए हैं, लेकिन इस बार इसका स्थान बदलकर गुवाहाटी किया गया है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्टर का जो बेस्ट डायरेक्टर का जो खिताब है वह जोया अख्तर को दिया गया है और इनकी फिल्म है गली बॉय। तो इन सभी को अवार्ड दिए गए हैं। तो आपको फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में इतनी जानकारी जरूर रखनी चाहिए और इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बन सकते हैं जिनके हम क्वेश्चन आप तक लेकर आए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मोदी जी के द्वारा वाराणसी में कुछ उद्घाटन किए गए हैं उनके बारे में। तो पहला उद्घाटन जो किया गया है वह दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का किया गया है, जो इनकी यानी दीनदयाल उपाध्याय की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 63 फीट ऊंची प्रतिमा वाराणसी में बनाई गई है। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी 430 बिस्तर का यह भी अनावरण किया गया है वाराणसी में। यहाँ पर दोस्तों कुल 36 परियोजनाएं शुरू की गई हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। 36 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है वाराणसी में और इनका जो कुल बजट होगा वह 1254 करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये कुछ
जो मोदी जी के द्वारा उद्घाटन और योजनाएं की गई हैं वाराणसी में, उनका संक्षिप्त रूप था। अब दोस्तों बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में, तो आपको इसकी बैकग्राउंड के बारे में बता दें। तो आपको बताएं दोस्तों, खेल मंत्री जो वर्तमान है वह है किरण रिजिजू। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो यह है किरण रिजिजू। दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो पहला संस्करण है वह कराया जा रहा है, लेकिन अगर बात करें खेलो इंडिया गेम्स की तो इसके तीन संस्करण होते हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, तो इसका आयोजन किया जा रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। यह विंटर गेम है, आपको यहां से इंपोर्टेंट फैक्ट मिलेगा, याद रखना है। इसमें कुल 2500 खिलाड़ी भाग लेंगे और कुल 11 खेल में भाग लेंगे। तो इसका पहला संस्करण शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अब बात करते हैं दोस्तों विंटर खेलो गेम्स की बात। खेलो इंडिया गेम्स तीन प्रकार के होते हैं, अब ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, वरना आप पहले पढ़ते आए होंगे कि खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये कौन कौन सी हैं। तो पहले बात करते हैं खेलो इंडिया की यूथ गेम्स की। तो दोस्तों ये 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत 2019 में की गई थी, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत 2020 में की गई है, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड 2019 के बारे में, जो 2020 में दिया गया है। अब इसके पहले बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना यानी ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड की स्थापना 16 मई 1929 को की गई थी। पहली मूवी विंग्स थी जिसे यह अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विलियम कैमरून को दिया गया था, और पहला आयोजन हॉलीवुड का कोडेक थिएटर में ऑस्कर अवार्ड का किया गया था। अब जो 2019 में जिस जिसको अवार्ड मिले हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड वॉकिन फिनिक्स को दिया गया है, और इनकी फिल्म थी जोकर। जोकर फिल्म में इन्होंने बेस्ट एक्टर का किरदार निभाया, जिसके कारण इन्हें वॉकिन फिनिक्स इन्हें 2019 में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं बेस्ट एक्टर की एक्ट्रेस की बात करें तो रिनी जेलवेगर, जो जूडी फिल्म्स थी, इन्हें 2019 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फिल्म चुना गया है पैरासाइट को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म चुना गया है पैरासाइट को। वहीं बात करें बेस्ट बायोग्राफी की, तो अमेरिकन फैक्ट्री, जो बराक ओबामा की बायोग्राफी है, इसे बेस्ट अवार्ड दिया गया है ऑस्कर का। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पैरासाइट मूवी के डायरेक्टर बोंग जून हो को दिया गया है। तो आपको इतने इंपोर्टेंट फैक्ट ऑस्कर अवार्ड के बारे में याद रखने हैं। अब दोस्तों बात करेंगे ESPN अवार्ड इंडिया के अवार्ड के बारे में। तो इसका जो नया नाम है वह एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट रखा गया है। इसका जो पहला संस्करण या पहला अवार्ड दिया गया था यह 1993 में दिया गया था। अब 2019 में किसी किसी अवार्ड दिए गए हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला अवार्ड है फीमेल पर्सन ऑफ द ईयर, यह अवार्ड पीवी सिंधु को दिया गया है, और यह अवार्ड ने लगातार तीसरी बार दिया गया है। मेल पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड सौरभ चौधरी को दिया गया है। टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड सौरभ चौधरी और मनु भाकर, जो शूटिंग के प्लेयर हैं, इन दोनों को दिया गया है। और द करेज अवार्ड द्विती चंद्र को, जो एथलीट है भारत की, इन्हें दिया गया है। आपको इनका नाम याद रखना है, ये है द्विती चंद्र। दोस्तों ESPN के कुछ और इंपोर्टेंट अवार्ड बनते हैं उनके बारे में भी बता दें। तो बेस्ट कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये है कोनेरू हम्पी, जो चेस की खिलाड़ी हैं, इन्हें बेस्ट कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। वहीं बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो बलवीर सैन, जो हॉकी के प्लेयर हैं, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कोच ऑफ द ईयर पुपेला गोपी चंद को चुना गया है। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं और ये अवार्ड भी याद रखने हैं, जो मोस्ट IMP क्वेश्चन है वही इस वीडियो में लिए गए हैं, तो एक भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों महिला T20 वर्ल्ड कप के बारे में, जो 2020 में हुआ है। इसके बैकग्राउंड के बारे में पहले बात करते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में की गई थी। इसका यह 7वां सीजन था। कुल 10 टीमों ने इसमें भाग लिया था, और पहला मैच जो हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2020 में T20 वर्ल्ड कप का हुआ था। तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं 2020 के वर्ल्ड कप के बारे में, और जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वीडियो में आगे चर्चा करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन बनता है, यह अवार्ड जो वर्ल्ड कप है 2020 का किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इसे जीता है, और ऑस्ट्रेलिया ने कुल 5 बार यह वर्ल्ड कप यानी T20 वर्ल्ड कप जीता है। 2020 का फाइनल किन किन टीमों के बीच खेला गया था? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2020 का T20 का फाइनल खेला गया था। क्वेश्चन बन सा है, कौन सा देश इस वर्ल्ड कप में पहली बार शामिल हुआ था? तो थाईलैंड इस वर्ल्ड कप में यानी T20 महिला विश्व कप में शामिल होने वाला पहला देश बना है। तो आपको याद रखना है 2020 में जो शामिल हुआ नया देश है वह है थाईलैंड। दोस्तों ये वीडियो था जिसमें हमने बात की फरवरी के जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और जितने भी करंट इवेंट हुए हैं उनके बारे में। दोस्तों इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम में। इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।